नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थ एंड मोटिवेशन एंड हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है वो पतंजलि शतावरी वर्सेज हिमालय शतावरी टेबलेट्स हैं वो होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आपको पतंजलि शतावरी पाउडर और हिमालय की शतावरी टेबलेट्स हैं इनके बीच में डिटेल्ड कंपेरिजन है वो देने वाला हूँ। और लास्ट में कंक्लूजन में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किसको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा शतावरी के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ है वो उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले हिमालय शतावरी टेबलेट्स के बारे में, पतंजलि शतावरी को यूज़ कैसे करना है, फ़ायदे क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही गजब की वीडियोज़ है वो हमारे द्वारा अपलोड की गई हैं, जो कि यूट्यूब पर शतावरी सेगमेंट की सबसे बेस्ट वीडियोज़ है और आप उनको देख सकते हैं जिनके लाखों व्यूज है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं इसके बारे में मेरे को बहुत सारी दर्शकों की कमेंट्स है वो फेस करने को मिली उन वीडियोस में, हमारी दूसरी वीडियोस में, और उनमें पूछा गया कि कौन सी शतावरी है वो यूज करनी चाहिए, पतंजलि का पाउडर यूज करें या हिमालय की टेबलेट्स। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में डिटेल्ड कंपेरिजन को अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले दोस्तों प्राइस पर आते हैं। पतंजलि की जो ये पाउंडर है, चूर्ण है, इसकी प्राइस है वो 160 रुपए है और टोटल 100 ग्राम की ये चूर्ण है वो देखने को मिलती है। अगर हिमालय की बात करें तो 60 टेबलेट इसके अंदर आती है और इसकी प्राइस है वो 130 रुपए है। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, तभी आपको फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों प्राइस तो अपने कंपेरिजन कर ली, हिमालय की 30 रुपये प्राइस है वो कम है। अगर दोस्तों यूज़ करने की बात करें यानी कि कितने महीना चलेगी, तो पतंजलि की जो चूर्ण है उसको आप दिन में दो बार ले सकते हैं एक एक चम्मच, और 100 ग्राम को अगर देखें तो लगभग यह एक महीना चलता है। अगर हिमालय के टेबलेट्स की बात करें तो दिन में दो टेबलेट्स लेने की हिमालय है वो बात करता है, जिसके हिसाब से 60 टेबलेट्स है वो एक महीना चलने वाली हैं। अब मैं आपको बताना वाला हूँ कि इनको यूज़ करने में कंपैरिजन है वो कैसा होता है, यानी कि इन दोनों में यूज़ करने में कितना फ़र्क है। हिमालय के टेबलेट्स को आप पानी के साथ ले सकते हैं सीधा डायरेक्टली, जैसे हम टेबलेट लेते हैं वहाँ वैसे आपको लेना है। जबकि पतंजलि की शतावरी को यूज़ करने की बात करें तो इस पाउडर को यानी कि चूर्ण को आपको दूध के साथ मिक्स करके पीना है, पानी के साथ भी पी सकते हैं लेकिन दूध के साथ मिक्स करके पीने की सलाह है वो दी जाती है। अगर क्वांटिटी की बात करें कि इसके अंदर शतावरी खुद है वो कितना मौजूद होती हैं, दोस्तों सबसे जो मेन कंपैरिजन है इन दोनों का वो यही है कि शतावरी की मात्रा कितनी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों शतावरी की बात करें जिसको कहा जाता है एस्पेरागस रेसिमोसस, तो दोस्तों अगर शतावरी खुद इनके अंदर कितना है इसका अगर कंपेरिजन करते हैं तो क्वालिटी कंपेरिजन अपने आप हो जाएगा। हिमालय की जो दोस्तों टेबलेट है, एक टेबलेट के अंदर टोटल 250 mg शतावरी है वो देखने को मिलता है। जबकि पतंजलि की अगर दोस्तों पाउडर की बात करें तो इसके अंदर पूरा का पूरा है वो शतावरी ही है, यानी कि 10 ग्राम जो पाउडर हम लेंगे अगर पतंजलि का तो उसके अंदर 10 ग्राम शतावरी की रूट्स है यानी कि जड़ें हैं वो शामिल हैं, जितना है उतना रूट्स, और जो टैबलेट देखने को मिलती है वो 250 mg की है। तो दोस्तों पावर के हिसाब से अगर देखें तो पतंजलि का शतावरी चूर्ण है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप दो स्पून भी लेते हैं दिन के अंदर तो आपको यह शतावरी बहुत ज़्यादा पावर देती है, क्योंकि एक तरफ हिमालय की टैबलेट दो हम लेंगे तो अपने को 500 mg ही मिलेगा जो शतावरी, और उसकी दूसरी तरफ पतंजलि का पाउडर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल दिन में 5 ग्राम तक है वो शतावरी है वो आराम से मिल जाती है। तो पावर के हिसाब से पतंजलि का जो शतावरी पाउडर है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। अब दोस्तों बात करेंगे इंडिकेशन की कि इन दोनों के ऊपर क्या क्या डिटेल लिखी हुई हैं, हिमालय की टेबलेट्स अपने बारे में क्या दावा करती हैं और पतंजलि के पाउडर है वो अपने बारे में क्या दावा करता है। इंडिकेशन की अगर बात करें तो हिमालय के इस पैकेट के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, प्रमोट लैक्टेशन और नोरिशिंग, यानी कि शरीर को यह पोषण देता है और जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें लैक्टेशन की मात्रा है वो बढ़ेगी, दूध की मात्रा है वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ अगर पतंजलि के इस चूर्ण की बात करें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वीकनेस को कम करना, डिएबिलिटी को कम करना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। अब दोस्तों बात करें इन दोनों के कंक्लूजन की, यानी कि कौन सा जो आपको प्रोडक्ट है वो यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी है वो देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप बात करें महिला या पुरुष की, तो शतावरी को महिलाएं भी यूज़ कर सकती हैं और पुरुष भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों टैबलेट और चूर्ण पतंजलि की ओर से कोई भी टैबलेट है शतावरी की वो नहीं उतारी गई है और हिमालय सिर्फ टैबलेट फॉर्म में ही शतावरी देता है। अगर दोस्तों आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं, शतावरी की आपको क्वान्टिटी कम चाहिए, नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं और एक कम मात्रा में शतावरी को लेना चाहते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, और अगर आपको शतावरी के स्वाद से चिढ़ है क्योंकि शतावरी का स्वाद है वो बहुत ही अजीब है, तो आपको सीधा हिमालय टेबलेट्स लेनी चाहिए। अगर आपको शरीर का वजन बढ़ाना है, मसल्स बनाने हैं, या फिर अगर आपको पावर ज़्यादा लेनी है शतावरी की और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको पतंजलि का शतावरी चूर्ण है वो उपयोग में लेना चाहिए। चूर्ण से संबंधित दिक्कत ये है कि ईजी टू यूज़ नहीं है, क्योंकि दूध के साथ मिक्स करके लेना पड़ेगा, और जो हिमालय की जो शतावरी है उसको कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं और पानी के साथ टैबलेट है वो ले सकते हैं। अगर दोस्तों नॉर्मली कम मात्रा में आपको यूज़ करना है और थोड़े बहुत रिजल्ट के लिए आपको यूज़ करना है तो आप हिमालय
की टेबलेट्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मात्रा में पावर चाहिए और ज्यादा मात्रा में अगर आपको रिजल्ट देखने हैं तो आपको पतंजलि का पाउडर है, चूर्ण है, शतावरी, वो ट्राई करना चाहिए। इसमें थोड़ा लेने में दिक्कत होती है और स्वाद में दिक्कत है, बाकी दोनों में अगर दोस्तों प्योरिटी की बात करें तो दोनों ही भारत की सबसे बेस्ट कंपनीज की ओर से तैयार किया गया है और दोनों में क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। तो दोस्तों यह था पतंजलि शतावर वर्सेज हिमालय शतावर टेबलेट्स का कंप्लीट कंपैरिजन। आपको इस कंपैरिजन में डिटेल है वो पूरी मिल गई होगी और आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए इसके बारे में भी आपको डिटेल मिल गई होगी। इसके अलावा आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अभी मेंशन करें, कमेंट में अपना सवाल लिखें और वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन लिखें, हम 100% कमेंट का रिप्लाई करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ एंड मोटिवेशन एंड हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी को हमारी वेबसाइट healthgyanonline.com पर और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।